यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ियों के भोजन में शुद्धता को लेकर चलाई गई मुहिम का असर अब कान्हा की नगरी मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। कान्हा की नगरी मथुरा में सनातनियों को शुद्धता के साथ फल सब्जियां मिल सकें, इसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों ने न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी के नेतृत्व में सब्जी फल विक्रेताओं को शुद्धता के साथ सामान दिए जाने को लेकर उनकी पहचान कराने के उद्देश्य से मथुरा शहर में निःशुल्क नेम प्लेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों सहित शहर के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि नेम प्लेट अभियान के अंतर्गत शहर के सभी फल सब्जी विक्रेताओं को निशुल्क नेम प्लेट वितरण की जा रही है, जिससे कि लोगों को फल सब्जी विक्रेताओं की पहचान पता हो सके। साथ ही न्यास के पदाधिकारियों का भी कहना है कि सावन भादो के पवित्र माह में लोग अपने अपने आराध्य की पूजा पाठ करते हैं और व्रत उपवास भी रखते हैं। पहचान के आधार पर लोग बाजार से फल सब्जियां पूरी शुद्धता के साथ ले सकें, इसके लिए न्यास द्वारा शहर में नेम प्लेट अभियान चलाया जा रहा है। सावन भादो में ब्रज भूमि का विशेष महत्व है। कान्हा की नगरी में माताएं बहनें व्रत उपवास रहती हैं। हमारा नेम प्लेट वितरण करने का यही उद्देश्य है कि हमारी माताएं बहनें पूरी शुद्धता के साथ फल सब्जियां ले सकें, ताकि पवित्रता के साथ वो अपने आराध्य का व्रत उपवास रख सकें। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के तत्वाधान में मंगलवार के दिन शहर में चलाए गए नेम प्लेट अभियान में महानगर अध्यक्ष ठाकुर नरेश सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पाठक, राष्ट्रीय सचिव जयराम शर्मा, महानगर महामंत्री राहुल गौतम, पंडित राजेश शास्त्री, हरिओम वर्मा, कन्हैया कुमार, गुंजन शर्मा, हरिदास बाबा, ठाकुर सूरजमल, गंभीर बघेल, महेश चौधरी, दाऊदयाल बाबा, संदीप उपाध्याय, अश्विनी शर्मा, कैलाश शर्मा, विजय ठाकुर आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। अभियान चलाया गया है, उसमें नेम प्लेट शुद्धता की हिंदू सनातनियों के लिए एक शुद्धता के लिए फल सब्जियों के द्वारा नेम प्लेट लगाई गई है और उस पर नाम लिखा गया है, इसकी पहचान हो सके कि यहाँ पर हिंदू सनातनियों के लिए कि अगर सब्जी जो होती है ये फल होते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर अपने गंदे नालों में अगर डाल भगो के और अपने अगर धूप लगा के उनको बेचा जाता है, इसलिए कुछ सनातनियों के लिए ये नेम प्लेट लगा के ये शुद्धता की पहचान दिखाई गई है। जन्मभूमि संघर्ष न्यास एक सामाजिक संगठन है, उसका भी ये दायित्व बनता है कि ये मथुरा वृंदावन में सावन भादो मेला के माध्यम से जो हजारों लाखों तीर्थयात्री यहाँ ब्रज में आते हैं उनको शुद्ध फल एवं सब्जी मिल सके, इसके लिए हमने एक दुकानदारों को संकल्प के माध्यम से एक नेम प्लेट वितरित की है निःशुल्क, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बता करके शुद्धता पूर्वक सामग्री बेच सके, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि वीडियो के माध्यम से अशुद्धता फैलाई जा रही है, इससे सावधान रहे और हमने इनसे कहा भी है कि आप शुद्धता का प्रतीक रहिए और एक शुद्ध जो मौलिक अधिकार है नागरिक का शुद्ध चीज़ लेने का, क्योंकि वो पैसे देता है अपने, तो शुद्ध चीज़ मिले आप ये संकल्प लें और इस नेम प्लेट को अपने यहाँ लगाएं। स्वेच्छा से इन लोगों ने आए अपने प्रतिष्ठान पर नेम प्लेट लगाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक आदेश पारित किया गया है कि कोई भी हिंदू या मुसलमान अपने तो उसमें एक उसी के तहत के अभियान हमारे श्री कृष्ण संघर्ष न्यास द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसमें अपने हिंदुओं के लिए एक जो शुद्ध हिंदू है जो कभी दूसरे संप्रदाय के लोग जिसके कारण हिंदू नाम रख के जो गलत तरीके से फल देखते हैं सब्जी देखते हैं कभी धूप देते हैं कितनी वीडियो वायरल हो रही है, उसी के तहत आज एक अभियान चलाया गया है जिसमें देश में सब हिंदू हूँ सनातनी हूँ, जिसके द्वारा एक अभियान के तहत सभी का नाम लिख के और एक उनको पहचान दी गई है कि वो शुद्ध हिंदू है जिससे लोग खरीद सकते। हमारे जन्मभूमि न्यास की तरफ से ये नेम प्लेट जो बांटी गई है वो शुद्धता का प्रतीक है, फल सब्जी जो विक्रेता हैं उनके लिए नेम प्लेट बांटी गई है शुद्धता के लिए, जैसे गंदे पानी में धोना, मक्खियां बैठ रही हैं जिससे बीमारियां आती हैं, इस वजह से हम उस शुद्धता को शुद्धता के लिए ये नेम प्लेट बांट रहे हैं और ये सुविधा भी होगी कि ये फल विक्रेता का क्या नाम है उससे हम आदरणीय शब्द ले करके दिल में और उससे बात करेंगे और उसका नाम लेकर के सब्जी भी मांग सकते हैं। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से आज नेम प्लेट जारी की गई, फल विक्रेता सब्जी विक्रेता सभी को ये स्वयं इच्छा से
बांटी गई है और ये शुद्धता के प्रतीक है और हम सभी मिलकर के सभी ने ये जो नेम प्लेट है उसको सभी को फल विक्रेता सब्जी विक्रेता सभी को दिए हैं और उनसे शुद्धता का, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा बहुत सी हम वीडियो में भी देखते हैं कुछ लोग खीरा है सब्जी है उसमें धूप लगा देते हैं, गंदे नाले में धो देते हैं। इस जर्मू संघर्ष न्यास से सभी सनातन हिंदुओं के द्वारा जो सब्जी और फल विक्रेताएं उनके लिए नेम प्लेट बांटी गई है, उसमें सभी से अनुरोध किया है आप स्वेच्छा से अपना नाम इसे लिखकर टांग लीजिए। कोई किसी तरह का जबरदस्ती दबाव नहीं है, क्योंकि सभी का मौलिक अधिकार ये है कि हमको शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध फल मिले, शुद्ध सब्जी मिले, ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्योंकि भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब्जियों फलों पर थूक के बेच रहे हैं और कुछ ऐसा करें गंदे पानी में धो के बेचते हैं, तो हम ये चाहते हैं सभी विश्वासी कि हमको शुद्ध खाद्यान्न मिले, इस वजह से सभी के लिए नेम प्लेट बांटी गई है।